बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले में ममता सरकार की मुसीबत बढ़ती जा रही है। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट पर छापा मारा, जहां से ईडी को करीब 28.90 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना मिला है। अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट में यह रकम टॉयलेट में छुपा कर रखी गई थी और इतनी बड़ी रकम को गिनने के लिए ईडी के अधिकारियों को नोट गिनने की 3 मशीन लगानी पड़ी। समाचार एजेंसी ANI ने तस्वीरें जारी करते हुए बताया कि ईडी के अधिकारी पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया आवास से निकले। वहां से लगभग 29 करोड़ रुपए की नकदी के साथ 10 ट्रक भरने के बाद वहां से निकले। अर्पिता मुखर्जी के आवास से अब तक कुल 40 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को टीचर भर्ती घोटाले में कोलकाता के आसपास अर्पिता मुखर्जी के 3 ठिकानों पर छापेमारी की थी। अर्पिता मुखर्जी के बिलवरिया स्थित एक फ्लैट से ईडी को करीब 29 करोड़ कैश और 5 किलो सोना मिला। इससे पहले भी एक फ्लैट से ईडी की टीम को 20 करोड़ कैश और सोना मिला था। ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी को भी ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी की करीबी हैं। आपको बता दें कि करीब 5 दिन पहले ही ईडी को अर्पिता के फ्लैट से 21 करोड़ कैश और तमाम कीमती सामान मिले थे। इसके बाद से अर्पिता से लगातार सख्त पूछताछ जारी है। अर्पिता को 23 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने इस मामले में पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष TMC विधायक मानिक भट्टाचार्य से भी पूछताछ की है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने अर्पिता मुखर्जी की मां के घर और कुछ अन्य रिश्तेदारों के घर भी छापा मारा है। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।